क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आपके चारों ओर समस्याएं ही हैं और आप इनसे बच नहीं सकते और आपको हार माननी ही पड़ेगी। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आपको ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, तो वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखें। एक बार की बात है, शाम का समय था, जंगल में काली घटाएं छाई हुई थी। काली घटाओं के कारण जंगल में बिजली गिर गई और जंगल में आग लग गई। उस जंगल में एक सुनहरे बालों की बहुत सुंदर हिरणी रहती थी। वह शाम को एक नदी किनारे पानी पीने के लिए आई। उस समय उसने नदी के अंदर अपनी चिंता भरी परछाई देखी। उसके चेहरे पर चिंता दिख रही थी क्योंकि जंगल की आग में उसका घर जल चुका था और उसे अपने बच्चों को जन्म देना था। वह हिरणी 3 महीने से प्रेग्नेंट थी और उसे प्रसूति का दर्द भी होने लगा था। तभी उस हिरणी ने सोचा कि वह अपने बच्चों को जन्म उस नदी के किनारे ही कहीं अच्छी जगह पर दे दे। अचानक से हिरणी को नदी के किनारे झाड़ियों में से कुछ आहट सुनाई दी। तभी उसने अपनी तिरछी नज़र से उस झाड़ियों की ओर देखा तो उसे एक परछाई दिखाई दी। उस झाड़ियों में एक शिकारी शिकार करने के लिए अपनी बंदूक में गोलियां भर रहा था। वह इस हिरणी का शिकार करने की सोच रहा था। हिरणी पहले से ही बहुत घबराई हुई थी और उस शिकारी को देखकर और घबरा गई। हिरणी ने मन ही मन में वहां से धीरे से भागने की सोची। जैसे ही वह भागने लगी तो उसने अपने सामने अपनी मौत को खड़े हुए देखा। उसके सामने एक खूंखार शेर खड़ा था। वह शेर भी उस हिरणी को अपना शिकार बनाने की सोच रहा था। हिरणी ने चारों तरफ देखा, जिसमें एक तरफ वह शिकारी, दूसरी तरफ शेर, तीसरी तरफ जंगल की आग और चौथी तरफ वह नदी। हिरणी चारों तरफ से घिर चुकी थी। उसने मन ही मन सोचा, इस नदी को पार करना उसके बस की बात नहीं। पीछे जंगल की आग है, एक तरफ शिकारी उसका शिकार करेगा और एक तरफ शेर उसे अपना भोजन बनाएगा। हिरणी ने बहुत सोचा अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। फिर हिरणी ने मन ही मन सोचा कि मरना ही है तो डरना किस बात से, मौत चारों तरफ है, अब तो शान से मरेंगे। मानो उस हिरणी का दिमाग सटक गया था। ऐसा सोचकर हिरणी सीना तान कर शिकारी के सामने खड़ी हो गई और आंखें बंद करके भगवान से इस जीवन के लिए शुक्रिया करने लगी और जीवन दान मांगने लगी। तभी शिकारी अपनी बंदूक में गोलियां भर चुका था और वह बंदूक को हिरणी की तरफ करके कंधे पर बंदूक रख कर हिरणी को निशाना बना ही रहा था कि एक अजीब सी घटना वहां पर घटी। जंगल की आग से एक चिंगारी उछली और वह चिंगारी शिकारी के आंख पर आ लगी। वह शिकारी अंधा हो गया। शिकारी का निशाना हिरणी की ओर से चूक गया और शेर की ओर घूम गया। शेर वहीं पर घायल हो गया और वहीं गिर गया। बिजली की गर्जना के साथ वहां पर बूंदों के रूप में बारिश होनी शुरू हो गई। बारिश होने से मौसम बहुत ही सुहावना हो गया। जंगल में लगी आग भी बारिश के कारण बंद हो गई और इस सुहावने मौसम में हिरणी ने 3 बच्चों को जन्म दिया। तो इस कहानी से हमें अपने जीवन में ये सीख लेनी चाहिए कि हमें कभी अपने जीवन में परेशानियों से पीछे नहीं हटना चाहिए। समस्या तो हमारे जीवन में आएगी, इसका मुकाबला करना चाहिए, न कि इससे डरना चाहिए। खुलकर समस्याओं का सामना करें और भगवान पर भरोसा करें। भगवान सबका भला ही करता है।